अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 10 करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने जो है कल रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई यहाँ तक पढ़े थे। मैं ऊपर से थोड़ा सा रिपीट कर रही हूँ। सारे लिविंग थिंग्स जो है रिएक्ट करते हैं, जो उनके अराउंड जो चेंजेस होते हैं उन पे हम भी रिएक्ट करते हैं, टू टच, लाइट, हीट, कोल्ड और साउंड पे जैसे दूसरे लिविंग थिंग्स करते हैं। और कोई भी चेंजेस जो ऑर्गेनिजम्स के इन्वायरमेंट में होते हैं जिनकी वजह से वो रिएक्ट करते हैं उसको हम कहते हैं स्टिमुलस। अब कैसे ऑर्गेनिजम्स रिएक्ट करते हैं टू द स्टिमुलस और उससे जो है उनके बिहेवियर में जो चेंज होते हैं उनको हम कहते हैं, ये जो चेंज आते हैं उनको हम कहते हैं रिस्पॉन्स। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कल पढ़ा, अगर किसी कुत्ते को ठन लगेंगे तो वो क्या करता है, तो वो जो है वर्म जगह पे जो है मूव करते हैं। तो यहाँ पे जो है कोल्ड क्या है, वो स्टिमुलस है और वो जो मूव कर रहे हैं वार्मर प्लेस पे वो है रिस्पॉन्स। आइडेंटिफाई द स्टिमुलस एंड द रिस्पॉन्स इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स। नीचे आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, उनमें से आपको स्टिमुलस और रिस्पॉन्स क्या करने हैं, आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है, फर्स्ट है अरेबिट इज स्कैर्ड सो इट रन्स अवे। यहाँ पे जो है स्कर्ट क्या है, ये स्टिमुलस है, रन्स अवे क्या है, रिस्पॉन्स है। सेकंड, यू आर थर्स्टी सो यू ड्रिंक वाटर। यहाँ पे थर्स्टी क्या है, स्टिमुलस है और ड्रिंक वाटर क्या है, रिस्पॉन्स है। ठीक है, तो इसी तरह जो है आपको यहाँ पे और भी एग्जांपल्स दिए हैं। थर्ड है क्लोजिंग ऑफ आईज ड्यूरिंग अ डस्ट स्ट्रोम। फोर्थ, रिमूविंग योर हैंड ऑन टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट। फिफ्थ, ट्रोटाइज रिट्रैक्ट इनटू देयर शेल्स ऑन सेंसिंग डेंजर। जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल में से हमने रिस्पॉन्स और स्टिमुलस को जो है आइडेंटिफाई किया है, इसी तरह आप लोगों को जो है थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में से स्टिमुलस और रिस्पॉन्स को आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है, ये मैं आप लोगों पे छोड़ रही हूँ। थर्ड फोर्थ फिफ्थ एग्जांपल में से आपको स्टिमुलस और रिस्पॉन्स को आइडेंटिफाई करने हैं। प्लांट्स टू रिस्पॉन्ड टू देयर एनवायरनमेंट। द मूवमेंट्स ऑफ प्लांट्स इन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस इज नोन एज ट्रॉपिज्म। प्लांट्स भी रिस्पॉन्ड करते हैं और वो मूवमेंट ऑफ प्लांट्स किसकी डायरेक्शन में, स्टिमुलस की डायरेक्शन में, उसको हम कहते हैं ट्रॉपिज्म। ए प्लांट बेंड्स टुवर्ड्स सनलाइट और लाइट सोर्स। दिस मूवमेंट ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। प्लांट्स बेंड करते हैं सन की तरफ या लाइट सोर्स की तरफ, उस मूवमेंट ऑफ प्लांट्स को हम कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, रूट्स ग्रो टुवर्ड्स द सॉइल, दिस इज कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म। रूट्स जो है सॉइल की तरफ ग्रो करते हैं उसको हम कहते हैं जियोट्रॉपिज्म। द लीव्स ऑफ द टच मी नॉट प्लांट फोल्ड व्हेन समवन टचेस देम। दिस मूवमेंट ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड नेस्टिज्म। टच मी नॉट प्लांट्स के लीव्स को जो है कोई भी अगर टच करेंगे तो वो क्या होता है, फोल्ड होता है। ठीक है, तो उस मूवमेंट ऑफ प्लांट्स को हम कहते हैं नेस्टिज्म। सम फ्लावर्स ब्लूम ड्यूरिंग द डे, सम फ्लावर्स ब्लूम ओनली एट नाइट। कुछ फ्लावर्स जो है दिन के टाइम पे खिलते हैं और कुछ फ्लावर्स जो है सिर्फ रात के टाइम पे खिलते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं प्लांट्स भी क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स दे रहे हैं, वो भी मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, फिगर 10.8 में आप देख सकते हो प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। ए पार्ट फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म में क्या है, प्लांट्स बेंड करते हैं सनलाइट की तरफ या लाइट सोर्स की तरफ, उस मूवमेंट ऑफ प्लांट को हम कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, प्लांट्स जो है बेंड करते हैं सनलाइट की तरफ या लाइट सोर्स की तरफ, उस मूवमेंट ऑफ प्लांट को हम कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। बी पार्ट में आपको जियोट्रॉपिज्म दिखाया है। तो जियोट्रॉपिज्म क्या है, रूट्स जो है ग्रो करते हैं टुवर्ड्स द सॉइल, उसको हम कहते हैं जियोट्रॉपिज्म।
ठीक है, तो ये रहा आपका रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। कल हम जो है यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, खुदा हाफिज़।